Hello student, this is Prakash sir. In this video we will discuss about second generation of computer in your chapter 2. In previous video I already explained you about the first generation of computer, but in this video we will discuss second generation of computer, third generation of computer, fourth generation computer and fifth generation computer. So let's start. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। अब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ था कि इन फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन यू नो इन देयर दे यूज वैक्यूम ट्यूब, बट इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर ट्रांजिस्टर वर यूज्ड इन इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब। मतलब इस सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा था वैक्यूम ट्यूब की जगह पे। अब ये ट्रांजिस्टर से एडवांटेज क्या था कि जो लेस पावर था, ठीक है, इसको लेस पावर की नीड रहती थी और प्रोड्यूस लेस हीट। वैक्यूम ट्यूब क्या कहते थे कि जैसे ही उसको पावर मिलती थी वो हाई हीट प्रोड्यूस करता था, जिससे कि अदर कंपोनेंट को लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते थे। बट इन कंपेयर टू ट्रांजिस्टर में हुआ क्या कि जो हीट है वो भी कम हो गई थी। ट्रांजिस्टर अलाउ कंप्यूटर टू बिकम स्मॉलर फास्टर एंड चीपर। इट्स बिकम अ कंप्यूटर स्मॉलर फास्ट एंड चीपर। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज पंच कार्ड इन बोथ कंप्यूटर। फर्स्ट कंप्यूटर एंड सेकंड कंप्यूटर बोथ आर यूज इन पंच कार्ड। फॉर व्हाट पर्पस? फॉर इनपुट पर्पस एंड प्रिंट आउटपुट। फॉर आउटपुट पर्पस दे वर रिलायबल मोर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आर मोर रिलायबल देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। मतलब सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की कंपेरिजन में ज़्यादा रिलायबल थे। Their operating speed was comparatively higher than the first generation of computer. His speed also higher than first generation computer. High level programming language like COBOL BASIC were developed in this generation. In second generation computer के time पे COBOL और BASIC जैसी high level language भी develop हो चुकी थी। An example of second generation of computer are IBM 704 and IBM 1401. These two computer are the example of second generation of computer. Come to third generation computer. So third generation computer, जब कंप्यूटर का थर्ड जनरेशन आया तो इसमें ट्रांजिस्टर की जगह पे आईसीस का यूज़ होने लगा। अब प्रॉफिट क्या था आईसी के यूज़ होने से? एडवांटेज ये था कि जैसे ही आईसी का यूज़ हुआ तो एक सिंगल चिप पे, आप यहाँ एग्जांपल पे देख रहे हैं ये 24 पिन आईसी है, तो ये सिंगल चिप पे बहुत सारे कंपोनेंट को एक साथ फ्यूज करके, है ना, प्रोसेस की जा सकती थी। अब वैक्यूम ट्यूब में भी सिंगल कंपोनेंट यूज हो रहा था, ट्रांजिस्टर में भी थ्री कंपोनेंट या फोर कंपोनेंट यूज हो रहे थे, बट इस आईसी में क्या था कि 12 and 100 कंपोनेंट को यूज किया जा सकता था। सो आईसी फुल फॉर्म ऑफ आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट वर यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब एंड ट्रांजिस्टर। मैंने आपको बताया है कि वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर की जगह पे आईसी का यूज हुआ। आईसी आर प्रोड्यूस्ड एज अ सिंगल चिप कंटेंट डजन ऑफ कंपोनेंट फ्यूज टुगेदर इन अ सिंगल प्रोसेस। मीन्स आईसी में क्या होता था, एक सिंगल चिप कंटेंट पे काफी सारे कंपोनेंट को एक साथ फ्यूज करके प्रोसेस को किया जाता था। मीन्स आईसी डेवलप किए जाते थे, फिर आईसी जो भी इनपुट देते थे उसको प्रोसेस करके आउटपुट शो करती थी। अब इस थर्ड जनरेशन में ही SSI मीन्स स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एंड MSI दैट मीन मीडियम स्केल इंटीग्रेशन टेक्निक का भी यूज किया गया। 10 कंपोनेंट वर फ्यूज्ड एज सिंगल यूनिट ऑन चिप। मीन्स SSI टेक्निक में क्या होता था कि 10 कंपोनेंट को हम सिंगल चिप पे फ्यूज कर सकते थे, बट MSI में मीडियम स्केल इंटीग्रेशन टेक्निक में लगभग 100 कंपोनेंट को एक साथ फ्यूज किया जा सकता था ऑन सिंगल चिप पे। दिस आईसी प्रोवाइड बी रिलायबल इन एक्सपेंसिव एंड फास्टर। ये जो थी ये आईसी क्या कहते थे कि ये रिलायबल भी थी, इन एक्सपेंसिव थी, मतलब इनका खर्च भी ज्यादा नहीं था और फास्टर थी। किससे? ट्रांजिस्टर से और वैक्यूम ट्यूब से। थर्ड जनरेशन में ही कीबोर्ड का यूज किया गया था एज अ इनपुट डिवाइस के रूप में। किसकी रिप्लेस की जगह पे? पंच कार्ड, क्योंकि पहले तो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में पंच कार्ड का यूज होता था, बट थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में कीबोर्ड का यूज किया जाता था एज अ इनपुट डिवाइस के फॉर्म में।
Monitor were used for the first time as output device instead of printouts. अब होता क्या था, जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें आउटपुट लेने के लिए प्रिंटआउट्स का यूज़ किया जाता था, बट ये थर्ड जनरेशन में फर्स्ट टाइम मॉनिटर का यूज़ किया गया एज अ आउटपुट डिवाइस के फॉर्म में. दे यूज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ रनिंग ऑफ मैनी डिफरेंट प्रोग्राम. ये जो थे ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होने लगा था जो कि क्या करते थे, बहुत सारे प्रोग्रामों को एक पर्टिकुलर टाइम पे एग्जीक्यूट करते थे. जो एग्जाम्पल हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के वो हैं IBM 370, NAB 7500, देन फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो कि 1971 में ही आया था. अब इसमें क्या हुआ, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ किया जाता था, बट फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ किया जाता था. अब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के यूज़ से ही ये माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया गया है जिसमें मोर देन 100 और 1000 कंपोनेंट को एक सिंगल चिप पे प्रोसेस किया गया है जो कि बहुत ज़्यादा फास्टर था, रिलायबल था और इनएक्सपेंसिव भी था. देन LIC टेक्निक, मोर देन 100 कंपोनेंट वर प्लेस ऑन अ सिंगल चिप, जो कि मैंने बताया कि उसे मोर देन 100 कंपोनेंट को यूज़ किया गया. और बीन फर्दर डेवलप्ड, इसमें हुआ क्या था कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर द मॉडर्न कंप्यूटर एंड आर द बीइंग फास्टर डेवलप. ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर ही क्या है कि मॉडर्न कंप्यूटर कहलाए जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप थे. किसके कंपेरिजन में, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन में. अब ये क्या थे, कॉम्पैक्ट थे मतलब साइज में छोटे थे, पावरफुल थे, फास्ट थे एंड मच चीपर थे मतलब सस्ते भी थे. द माउस एंड अदर हैंड हेल्ड डिवाइस सच अ जॉयस्टिक बट डेवलप ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ द ड्यूरिंग दिस स्टेज. मीन्स हुआ क्या था कि इस स्टेज में ही मैंने बताया था कि थर्ड जनरेशन में तो कीबोर्ड का यूज़ होने लगा था, बट फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ कि माउस का यूज़ होने लगा और जॉयस्टिक का यूज़ होने लगा. जॉयस्टिक का यूज़ सिंपली गेम को खेलने के लिए किया जाता है एज अ मूविंग के लिए, लेफ्ट राइट अप डाउन के लिए. तो इसमें जो भी अदर हैंड हेल्ड कंपोनेंट थे उनका भी यूज होने लगा था. द माइक्रो प्रोसेसर चिप यूज इन दिस कंप्यूटर, मैंने आपको बताया है कि इस कंप्यूटर में या फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा था. इसी माइक्रो प्रोसेसर को ही हम CPU कहते हैं जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बिहाफ पे वर्क करता है. मीन्स जो भी इनपुट दिया जाता है उसको प्रोसेस करता है. और जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे इसमें क्या हुआ था कि इंटरनेट के साथ कंपैटिबल था, मतलब इंटरनेट भी इसमें यूज़ किया जा सकता था. कंप्यूटर बिकम मोर एडवांस, जो कंप्यूटर था वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए थे. प्रोसेसिंग एंड मेमोरी कैपेसिटी, इसकी जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी और जो मेमोरी मीन्स स्टोरेज कैपेसिटी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी. इन 1981 में IBM ने फर्स्ट कंप्यूटर फॉर द होम यूज एंड 1984 एप्पल इंट्रोड्यूस मैकिंटोश. मीन्स IBM ने क्या किया था कि 1981 में जो होम PC बोलते हैं ना, पहले होम PC बोला जाता था जो कि हम घर पे यूज कर सकते थे, तो वो फर्स्ट डेवलप किया था. एंड एप्पल ने क्या किया था, मैकिंटोश नाम का कंप्यूटर डेवलप किया था. कौन सी सन में, 1984 में. देन फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन में आपको पता है कि माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा, मींस एडवांस हुआ है. तो फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी आ चुकी थी. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी करती क्या है बेसिकली, ये क्या करती है कि इसमें ये सेंस करने लगती है. दैट मीन कि आपने कभी वॉइस कमांड दिया तो वॉइस कमांड को वो लेगा, वॉइस कमांड पे कंप्यूटर वर्क करने लगेगा, इनपुट वॉइस इनपुट लेने लगेगा. ये वाली टेक्नोलॉजी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में आ गई थी. चलिए देखते हैं क्या है इसमें. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर स्टिल बीइंग डेवलप्ड. दिस जनरेशन कंप्यूटर विल यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाने लगा था. दिस विल बी एबल टू थिंक एंड एक्ट ऑन देयर ओन लाइक ह्यूमन, मतलब ये जो कंप्यूटर थे वे सोच सकते थे और एज अ ह्यूमन वर्क भी कर सकते थे. दे आर स्टिल इन डेवलपमेंट स्टेज, जो कि अभी डेवलपमेंट स्टेज पे हैं. तो दे आर सम एप्लीकेशन सच एज वॉइस रिकॉग्निशन दैट आर बीइंग यूज्ड टुडे. हम आप देखते हैं कि अभी के जो कंप्यूटर उसमें वॉइस रिकॉग्निशन का एक एप्लीकेशन डला होता है जो कि क्या करता है कि कंप्यूटर यूजर
के साथ कंपेटेबल होता है वॉइस कमांड के थ्रू। दैट मीन कि हम अगर कुछ वॉइस कमांड देते हैं तो कंप्यूटर उसको परफॉर्म करता है और आउटपुट शो करता है। द यूज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपर कंप्यूटर इज हेल्पिंग टू मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ रियलिटी। अब यहाँ पे जो सुपर कंप्यूटर है उनकी मदद से क्या होगा, जो आर्टिफिशियल कंप्यूटर की जो इंटेलिजेंस है उसको एज अ रियलिटी शो किया जाएगा इन फ्यूचर, बट अभी ये नहीं हुआ है। ऑन बैक 50% तक कंप्लीट हो गया है। आप देखते हो कि अभी जो कार्स भी आती हैं तो वो वॉइस ओवर कमांड पर रहती है। तो ये क्या, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो है। आप मोबाइल को यूज़ करते हो, ऑटोमेटिक आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है उसको इंक्रीज कर देता है मोबाइल जैसे ही आप फोटो क्लिक करते हैं। तो ये क्या, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है जो कि वो खुद से सेंस करके जो रिस्पॉन्स है उसको बहुत अच्छे से, दैट मीन कि आप जो इनपुट देते हो उसको रिलायबल तरीके से प्रोड्यूस करता है। The goal of the fifth generation computer is to develop device that respond to natural language input and are comparable to learning and self-organization. That mean कि अब जो fifth generation computer एक बार completely develop हो जाएंगे, जब totally तरीके से means artificial intelligence totally develop हो जाएगी, तो होगा क्या कि natural language input means जो भी हम बोलते हैं ना उसी के through ही input computer में दिए जा सकते हैं। अभी होता क्या है कि हम जो भी input देते हैं वो compiler या interpreter के through machine language में convert किया जाता है, means low level language को high level language convert किया जाता है, उसके बाद ही computer आपके input को सेंस कर पाता है। बट जैसे ही आप फिफ्थ जनरेशन के लास्ट तक, जैसे ही सिक्स्थ जनरेशन आएगा, तो उस टाइम तक जो कंप्यूटर की इंटेलिजेंस रहेगी वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। आई होप आपको ये सारी जनरेशन कंप्यूटर की समझ में आई होंगी। थैंक यू।